guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi, a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे guys. Sorry. सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ. मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं यहाँ पे पोस्ट कर पाई. काफ़ी बिजी थी मैं सेशंस वगैरह पर्सनल रीडिंग लेने में, तो टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाया. आप बिल्कुल रेगुलरली कोशिश करूँगी पोस्ट करती रहूँ. और गाइज, आज मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ. मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं गाइज, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं. आपको अगर जब भी आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसमें ज़रूर कुछ मैसेज आपके लिए है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देख कर जाएं, क्योंकि वो चीज़ हमें तभी दिखती है जब हमको उस चीज़ से कुछ सीखना होता है, कुछ गाइडेंस होती है हमारी उस जगह पे, तभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं, राइट? तो आज का टॉपिक है टैरो रीडिंग का, कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, क्या वो सुधर जाएंगे, क्या वो बदल जाएंगे, और बदल के क्या वो आपके पास आएंगे. तो ये आज का टॉपिक है गाइज. आज कलेक्टिव रीडिंग मैं आप सबके साथ करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैंने डेक्स रखे हैं. सबसे पहले मैं टैरो से यहाँ पे शुरू करती हूँ, और भी मैसेजेस देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, और क्या लव मैसेजेस हैं, एंजल्स से क्या गाइडेंस है, वो भी हम चेक करेंगे गाइज. पहले हम आप प्लीज़ अपने मन को शांत करें, कनेक्ट करें गॉड से, यूनिवर्स से, बहुत पॉजिटिव रहें, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी. प्लीज़ पॉजिटिव रहें, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस अगर होंगे तो वैसे ही चीज़ें आती हैं. तो पॉजिटिव रहें, कोशिश करें पॉजिटिव रहें, और कनेक्ट करें गॉड से, यूनिवर्स से गाइज. ठीक है, क्या आपके पास गाइस? बहुत बहुत काम रही, बहुत ज्यादा अपने आप को कोशिश करें, आप कनेक्ट करें गॉड से, प्रे करें आपको आपका राइट गाइडेंस आपको मिले. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पोस्ट कार्ड, ओके, वाओ, नाइस. वी हैव गॉट दिस 10 ऑफ कप्स हियर. ओके, द फर्स्ट इज 10 ऑफ कप्स. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइन ऑफ Pentacles. Positive रहें guys. Okay, Queen of Pentacles. यहाँ पे लग देती हूँ मैं. Queen of Pentacles. Okay. Then we have got this Four of Wands. Wow. We'll pull out one more card. Okay, King of Swords. Okay, cool. यहाँ पे guys हमारे पास है ये सारे cards. 10 of Cups, 9 of Swords, 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, 4 of Wands and King of Swords. Okay. तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बताऊंगी सुधर जाएंगे. हमारा पहला सवाल था सुधर जाएंगे या नहीं सुधरेंगे. इस टाइम पे देखो, मैं बात करूँ, बहुत परेशान, एक इतनी परेशान सिचुएशन के अंदर वो हैं. ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं. उनको कुछ नहीं दिख रहा आगे का रास्ता, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, पर उनको एक चीज़ पता है कि उन्होंने आपके साथ रहना है, उन्होंने आपके साथ फैमिली बनानी है. बिकॉज यू हैव गॉट दिस कन्फर्मेशन हियर. ये आया, उसके बाद ये आया, राइट?
सो डेफिनेटली उनको इतना पता है, वो इतना जानते हैं, उनको इतनी समझ आ रही है कि उन्होंने आपके साथ रहना है. ही और शी वॉन्ट्स टू बी विद यू. उनको आपके साथ फैमिली दिखती है, वो आपके साथ अपना फ्यूचर दिखते हैं. उनको इतना पता है, चाहे उनको आगे दिखे या कुछ या ना दिखे, वो फैमिली बनाना चाहते हैं. वो एक ब्यूटीफुल सी लाइफ हो, आप दोनों वहाँ पे हों, आप इंजॉय करें, आपके बच्चे भी वो देखते हैं, ठीक है. और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि आप दोनों साथ आ जाएं, ठीक है. आप दोनों साथ आ जाएं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है. गई साइंस की बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. यहाँ पे हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है. सो सारे ही यहाँ पे एनर्जीज यहाँ पे आई हैं इस बार, ठीक है. सारे साइंस आए हैं एंड हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग है, सब लोग देख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे सबके एनर्जीज मुझे दिख रही हैं. अब देखो, मैंने आपको बताया कि शादी वो आपसे करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे करना चाहते हैं, और फ्यूचर तो वो डेफिनेटली देख रहे हैं आपके साथ, ओके. यहाँ पे उनको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, करें तो कैसे करें. वो इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी नेगेटिव वो हो गए हैं, कि उनको कुछ दिख नहीं रहा. जबकि अगर वो कोशिश करें, एफर्ट्स करें, तो उनको रास्ता दिख जाएगा और ये जो वो सोच रहे हैं वो कंप्लीट भी हो जाएगा, उनकी डिज़ायर, विश भी फुलफिल हो जाएगी, ये सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा आपके रिश्ते का, ठीक है. पर उनको करना ये है, जो उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको समझ नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं. हो सकता है कोई लेडी ऐसी हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कोई लेडी हो जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम आई हो या आती हो, ठीक है. हो सकता है कुछ लोग मैरिड भी हों, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हों, ठीक है, या फिर डाइवोर्स्ड हों, ठीक है, जिनकी ऑलरेडी शादी पहले हो चुकी है, फिर से वो आगे कुछ री मैरिज का सोच रहे हैं, ओके. यहाँ पे गाइज चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे, चेंज वो डेफिनेटली हो जाएंगे. चेंज मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, वो बदलेंगे, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर और आपके रिलेशनशिप के अंदर, जिनको ग्राब करके आगे चीज़ें बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं. यहाँ पे गाइज हो सकता है जो भी आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से एरोगेंट हों, ठीक है, मतलब एरोगेंट एज इन थोड़े बॉसी हों, डोमिनेटिंग हों, ठीक है, और अपने मन के चलाने वाले इंसान हैं वो, ठीक है, जिनको अपने मन का समझ में आता है. जैसे वो कहते हैं कि मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैं बोलूँ वैसे करो, ठीक है, और एकदम से पीछे हो जाएंगे चीज़ों से. तो ये सारी चीज़ें हैं. कोई लड़की ऐसी है, कोई औरत ऐसी है, फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि स्टॉप करता है उनको आपकी तरफ आने के लिए. ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि उनको आपके पास आने का सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनको ये चीज़ें रोक देती हैं कि शायद उनकी मॉम या उनके डैड या उनकी फैमिली या कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं. बट वो शादी आपसे, मैं फिर बोलूँगी यहाँ पे शादी की, बहुत सारे यहाँ पे मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं. शादी वो आपसे करना चाहते हैं और बहुत दिल से करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपसे, आपके प्रेशर में आके या फिर वो किसी और रीज़न से, शादी वो आपके साथ करना चाहते हैं, खुद के मन से करना चाहते हैं, ठीक है. पर और चीज़ें वो जब सोचते हैं, वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को या थर्ड पार्टी या फैमिली, उसको वो चीज़ें रोक देती हैं और इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते वो रातों को भी बहुत परेशान होते हैं, ठीक है. क्योंकि आपके अंदर उनको एक ऐसा इंसान दिखता है जो कि बहुत उनसे प्यार करता है, आपने उनको प्यार भी वाकई इतना दिया होगा, ठीक है, और आप उनको खूबसूरत भी बहुत लगती हैं या लगते हैं, ये भी मैं बोलूँगी, ठीक है. एक ऐसे उनके, आपके जो सोचने की थिंकिंग, जो आपकी एक 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 थॉट प्रोसेस है आपका, वो उनको बहुत पसंद आता है. जिस तरीके से आप सोचते हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और ऐसा भी उनको लगता है कि जैसे आप उनकी लाइफ में आई हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, ठीक है. एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हैं या बॉय हैं आप, ठीक है. इस तरीके से उनको चीज़ें लगती हैं आपके बारे में, इसलिए वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना,
ठीक है, कोई बड़ा एक ऐसा आदमी इंसान हो सकता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो सकता है उनके डैड हो या आपकी साइड से कोई इस तरीके का हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सुधरेंगे वो, काफ़ी कुछ उन्होंने पीछे जो करा है उनको उस चीज़ का पछतावा है, रिग्रेट है जो उनको जीने नहीं देता, वो काफ़ी चीज़ें सोचते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे कमिटमेंट के लिए आपके साथ कमिटमेंट करी हो या वो सब चीज़ें प्लान आउट करी हो, वो चीज़ें देखी, उन्होंने सोचा हम शादी करेंगे इस तरीके से, शादी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हम ये सब चीज़ें करेंगे, हमारे बेबीज होंगे या बहुत सी चीज़ें। पर अब वो चीज़ें जब नहीं हो रही हैं और उनको लगता है उन्होंने आपसे फॉल्स कमिटमेंट करी, उन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश करी है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वो आपके आपको लेकर सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर सोचते हैं जो कि उनको जीने नहीं देता, वो उनको बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जबकि उनके पास मतलब उनको उनकी फैमिली या वो थर्ड पार्टी भी उनको कहता है कि यू नो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम आंखें खोलो देखो चीज़ें आगे कितनी सुंदर हैं, बट वो नहीं देख पा रहे हैं, उनका ध्यान वहाँ पे ही अटका हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजंस ले लिए हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ रुक सी गई है। वो करना नहीं चाहते थे, वो अब ऐसा फील करते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऐसा फील करते हैं, वो इतने ऑनेस्ट थे, इतने ऑनेस्ट थे वो, फिर भी उनकी ऐसा लगता है कि आप उनको धोखेबाज समझती हैं या समझते हैं, ऐसा उनको बहुत ज्यादा लगता है कि इतने ऑनेस्ट हो आप या आप सच में इनके साथ रहना चाहते थे। मुझे उनको ये चीज बहुत खाती है कि आप उनको गलत समझते हो, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल में तो ये चीज है कि वो तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आप क्यों नहीं समझते, और आप समझोगे भी कैसे जब वो कमिटमेंट ही नहीं देंगे तो, राइट। तो ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रही है, शादी की वजह से ही बहुत सारी दिक्कत हुई है ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। शादी ऐसा भी होते होते किसी की टूट गई हो, रुक गई हो, या यू नो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। फैमिली वाले भी यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग लग रहे हैं जो कि शादीशुदा हैं, ठीक है, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आगे आपके पास प्रपोजल लेकर आ सकते हैं शादी का, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे चांसेस इस चीज़ के दिख रहे हैं गाइज। एक बारी ये भी देख लेते हैं कि इससे अगर आया है तो क्या होगा। देखिए गाइज वही चीज आ रही है बार बार कि कोई इंसान, कोई थर्ड पार्टी है जिसने कि बांध रखा है आप लोगों को। We've got this devil card here. तो उन्होंने आपको बांध के रखा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, एंड बिलीव मी वो इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव उनके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि प्रॉब्लम उस थर्ड पार्टी की वजह से ही सारी आई हुई है। जिस दिन वो थर्ड पार्टी चले गया, क्योंकि वो अपने किसी किस वजह से कर रहा है मुझे नहीं पता, कोई उसका लालच है या उसका कोई और ही मोटिव है, पर उसको इस चीज़ से कुछ मिलेगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। वो जैसा कर रहा है उसको वैसे ही अपने कर्मों का सबक मिल जाएगा जल्दी, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एक बारी गाइज मैं यहाँ पे एंजल्स से पूछ लेती हूँ, अपनी प्यारी प्यारी एंजल्स से, कि वो क्या इस रिश्ते के बारे में कहना चाहते हैं। ओके गाइज ये फॉल आउट हो गए हैं तो मैं इन्हीं को ही देखूंगी अब। ओके वेरी सून इज द फर्स्ट कार्ड हियर, वेरी सून, बहुत जल्द। तो जो भी अगर आपके मन में सवाल है वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल हो, तभी ये कार्ड निकला है, वेरी सून, बहुत जल्द ही वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके ओके ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग For you to have faith. तो विश्वास रखने की ज़रूरत है, रोमांस एंजल्स बोल रहे हैं आपके ही हैं वो, आपके पास जल्दी आएंगे, ट्रस्ट करें, विश्वास करें, थोड़ा सा और सब्र रखें। This could be the one. Wow. You have already met the romantic partner you seek. So ये इंसान हो सकते हैं, यही हो आपके लाइफ पार्टनर, यही हो आपके सोलमेट कनेक्शन, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है गाइज। ओके तो एक बारी यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ दूसरे डेक से, कि क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स।
ओके हैव कॉन्फिडेंस. ओके सो अगेन आई थिंक आप बहुत वीक हो रहे हो चीज़ों को लेकर, आप विश्वास नहीं बना पा रहे हो उन पे क्योंकि उन्होंने विश्वास वाला ऐसा कुछ किया ही नहीं है. शायद आप विश्वास नहीं बना रहे हो या कुछ लोग ऐसे भी घबरा रहे हैं. तो विश्वास बनाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है. यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं हैव कॉन्फिडेंस. ओके एक बार इसमें देख लेते हैं. मूविंग फॉरवर्ड डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर यू टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन गॉड इज इनफ. ओके सो गाइज हियर आपको भगवान पे विश्वास रखना है. अपने पे नहीं है कोई बात नहीं, ना रखें, पर भगवान पे विश्वास रखें, गॉड पे कॉन्फिडेंस रखें, ट्रस्ट रखें. चीज़ें ठीक वही करेंगे आपकी और आपको ही उन पे विश्वास रखना पड़ेगा. अगर उन पे ही विश्वास नहीं रखेंगे, डिवाइन एनर्जी पे ही विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे काम बनेगा, राइट? तो उन पे विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कॉन्फिडेंस इन गॉड इज इनफ अलॉन्ग विद नोइंग दैट गॉड वर्क्स थ्रू यू एंड विद यू इन ऑलवेज. लीन अपॉन अस एंड इफ योर कॉन्फिडेंस वेवर्स एंड वी विल बोर योर courage and faith. So guys, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, divine energy पे, positivity पे, सब उन अच्छी चीज़ों पे विश्वास रखना है जो कि आपको शक्ति देंगी. तभी आपका रिश्ता चलेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे. आप विश्वास नहीं रखेंगे तो लोग आपके बीच में आते जाएंगे, वो गैप बढ़ता जाएगा और आप अलग हो जाएंगे, राइट? विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके एक बारी और भी मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एंजल्स, गॉड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको. ओके गाइज देख लेते हैं. रिलीज एंड सरेंडर. ओके सो गाइज रिलीज एंड सरेंडर, वेरी नाइस पॉजिटिव कार्ड एंड आई लाइक दिस लैवेंडर कलर ऑल्सो. ओके रिलीज एंड सरेंडर. तो गाइज आपको रिलीज करने की जरूरत है. वी शायर यू ब्लेसिंग्स ऑफ अ रेडियंट लव. ओपन योर आर्म्स एंड रिलीज द चैलेंजेस दैट यू हैव हेल्ड टाइटली ग्रिप्ड विद इन योर हैंड्स. ओपन योर हैंड्स आर्म्स एंड हार्ट टू आर लव एंड असिस्टेंस. गाइज आपको एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं आपको अपने दिल को, अपने हाथों को खोलने की जरूरत है, अपने माइंड को खोलें. वो आप रिलीज करेंगे अगर अपने अंदर की चीज, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, तभी आप सरेंडर करेंगे, राइट? अपने आप को खोलें और रिसीव करने के लिए तैयार हो, लेने के लिए तैयार हो. भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहता है. जो भी चैलेंजेस हैं उनको छोड़ दें, जो आपने पकड़ के रखे हुए हैं, बातों को, पुरानी चीज़ों को, पास्ट को, हेटरेट को, ठीक है? आप अपने मन में तरह तरह के ख्याल लेकर बैठे हैं, उसको छोड़ दें. बस खुले हाथों से स्वागत करें भगवान की वो ब्लेसिंग्स का और वो सब प्यार का जो वो आपको देना चाहते हैं, जो मदद वो आपकी करना चाहते हैं. आप ही नहीं ले रहे हैं गाइज, आप ही नहीं ले रहे हैं, आपको लेने की बहुत ज़रूरत है, तभी आपका आगे चीज़ें मूव होंगी. ओके एक बार हम इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, किस इनिशियल से हो सकता है उनका नाम या उनका सरनेम. ओके फर्स्ट वी हैव बी, बी फॉर बॉम्बे. ओके ओ एच क्यू के. गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आपके लिए ही वीडियोज आती हैं तो आप ही का ये चैनल है, आप ही ने ही इसको जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करें ताकि सबके लिए अच्छा हो. किसी को गाइडेंस मिल सकती है इस चीज़ से तो बिल्कुल मिले. और गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें. एल देन वी हैव एस, वी हैव वाई, जे I, D, and last one we have B. Sorry, V. V for Victoria. V. Okay.
एक बारी हम यहाँ से मैसेजेस भी उठाएंगे, अगर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। ओके द फर्स्ट इज आई कांट गेट ओवर यू। तो वो आपसे आपसे अपना मन, अपना ख्याल, अपनी चीजें नहीं, ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने पहले आपको यही बताया था, ठीक है। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल गाइज, डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको, वो भूल नहीं पा रहे। सोशल मीडिया, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हो, या इस वजह से आपका कोई झगड़ा हुआ हो सोशल मीडिया की वजह से, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आर लव, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ दें, उनके साथ प्यार के लिए लड़ें, ना कि इस तरीके से चीज़ों को छोड़ दें। तो ये वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनका साथ दें और प्यार के लिए लड़ें, ठीक है। डू यू मिस मी, वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ। तो क्या आप भी उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपसे ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं अपना, वो तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके दूसरा देख लेते हैं। योर नेम इज इनग्रेव्ड इन माई हार्ट फॉर एवर, आपका जो नाम है वो उनके दिल पे लिखा गया है और हमेशा लिखा रहेगा, वो आपको नहीं भुला सकते गाइज। वो यही हमेशा हर मैसेज में अभी तक तो यही कह रहे हैं कि डू यू मिस मी, योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, आई कांट गेट ओवर यू, आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आर लव। सो सिमिलर ही हैं ये सारे आपके लिए मैसेजेस। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो आपसे बात करना चाहते हैं गाइज, वो आपसे बात करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम खुश हो मेरे बिना। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गलती उनकी हो, इल्ज़ाम आप पे लगाया हो, या फिर आप ही समझ रहे हो आपकी गलती है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हो, ये भी हो सकता है। विश यू वर हियर विद मी, वो चाह रहे हैं कि शायद काश आप उनके साथ इधर होती या होते अभी। तो वो आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत प्यार है आपके बीच में, बदलेंगे वो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं आपके आपके रिश्ते के अंदर, काफ़ी चीज़ें बदल रहेंगी, बदलेंगी। ये इंसान थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर एक नई सुबह होती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, चीज़ें बदलेंगी और वो बहुत डिफरेंट इंसान बन के आपके लिए आएंगे। मे बी स्टार्टिंग में वो थोड़े बॉसी हों, पर अब वो केयर और वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली, जो आपको चाहिए थी और जो आपको लग रहा था इतने टाइम से, वो इग्नोरेंस आप फील कर रहे थे, वो एक लोनलीनेस फील कर रहे थे, वो सब जाने वाला है, वो आपको वो सारा प्यार देने वाले हैं जो आपको चाहिए था। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ये जनरल रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग देने के लिए आप अपने सेशन, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन होती हैं गाइज, और मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी डिटेल्स, आप चाहते हैं तो अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।